Friends, you may know I am vlogging for the People, Places, Food and Festival. I am your host Dev Hode and you are watching my channel Ami Bhavo Ghude. तो मैं जो हूँ ये लोगों का जो कल्चर है वही दिखाने का कोशिश करता हूँ. करेंगे फैमिली का सब मेंबर. सबसे बुजुर्ग जो है उनका माता जी है, शी इज रनिंग 70 ईयर्स. और सबसे यंगेस्ट जो है मुझे लगता है 13 या 14 ईयर्स ओल्ड है. तो सब मिल के एक साथ ये काम करते हैं. लोकल फूड शेयर इन द पैडी फील्ड. दोपहर का लंच, बीच का चाय, टिफिन, नाश्ता, ड्रिंक, सब कुछ. इसको ओ बोलते हैं. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. आई एम योर होस्ट देव हुडे एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल आमी भावो हुडे. आफ्टर हेक्टिक जर्नी यस्टरडे, आफ्टर हेक्टिक जर्नी आई हैव ऑलरेडी रीच्ड हियर एट जीरो वैली एंड दिस इज दूता विलेज. वन ऑफ माई प्रीवियस होस्ट इन्वाइटेड मी हियर टू स्टे इन हिज हाउस. यू कैन सी बिहाइंड मी एंड अलोंग विथ मी दिस इज प्राजो हियर. Here is a big festival. सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है इधर, दो तीन तरह का फेस्टिवल होता है. जैसे कि मैको फेस्टिवल होता है, दी फेस्टिवल होता है, फिर मुरुंग होता है. ऐसे ही एक फेस्टिवल है म्यूज़िक फेस्टिवल, जो हार्वेस्टिंग होता है. ये हार्वेस्टिंग टाइम है क्योंकि इसमें अर्ली जो मानसून अर्ली आता है, इसीलिए हार्वेस्टिंग भी अर्ली आ जाता है. तो अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है. And you can see the total ambience. बहुत ही सुंदर ये जो नजारा है एकदम. But here it is already matured and it is just they're going to harvest it. It is, you can see already हार्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ दिस फील्ड. हार्वेस्टिंग के बाद ये जो है सब गांव वाले एक साथ मिलकर पहले ज़माने में गाना गाया करते थे. अभी वो जो है मॉडर्न स्टेज में हो रहा है टोटल सब अरेंजमेंट. तो हम लोग उसी देखने के लिए आए. तो चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है ऐसा है. थैंक यू वंस अगेन. स्टे ट्यून्ड विथ मी. आई विल शो यू एज आई एम गेटिंग देयर. ये दूता विलेज का बगल में इनका जो खेती है वही है. तो क्या है, इसमें मानसून जो है अर्ली आ जाता है, इसीलिए इसमें पैडी जो उगाते हैं वो भी पहले, मतलब कि कुछ पहले हो जाता है. जैसे केरल में होता है, फर्स्ट मानसून उधर आता है, इधर भी आता है. तो देखो आप, पैडी जैसे कि पक गया है ऐसा, है ना. तो मैं, हमारा बंगाल में अभी तक नहीं हुआ. इट विल बी आफ्टर वन मंथ इट विल बी अवेलेबल देयर. नमस्ते. लोरा, आप बेटा है, लोड़ा है. अच्छा, मार बेटा. अच्छा, बहुत बढ़िया. वाह, थैंक यू. आपका ये जो स्टाइल है ना, ये अनोखा है. हमारा उधर बंगाल में है, उधर पूरा गाछ काट के घर में लेके फिर करते हैं. आप जैसे कि सिर्फ धान लेके जा रहे हो. ग्रुप
रंग कटने आएगा। अच्छा काया सिंह इसका परिवार परिवार का ही है ना ये। हाय फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हो ये हार्वेस्टिंग है। ये मैं अरुणाचल में हूँ, जीरो वैली, ये डूटा विलेज। और आप जो देख रहे हो पीछे, ये मेरा होस्ट है, कोच काया। इनका घर में आया इनका हार्वेस्टिंग देखने के लिए। और जो देख रहे हो आप सारे, सब इनका एक ही फैमिली का है। तो इनका जो है, ये जो पैडी है, धान जो है ना, ये बहुत ही प्रेशियस क्रॉप है इनके लिए। क्योंकि पहले ज़माने में जब पीडीएस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, अभी तो जो पीडीएस सिस्टम में इनको चावल मिल जाते हैं, लेकिन उस समय में इतना आसान नहीं था। तो चावल मिलना इतना आसान नहीं था। वो लोग क्या करते थे, ये छोटे ज़मीन पर पहाड़ में तो चावल नहीं उगता है, पहाड़ का नीचे ये जो ज़मीन है, इसमें इन लोग ये जो चावल, ये धान उगाते थे। तो इसमें इनका सारा साल का इनका खाने का इंतजाम होता। और ये छोटा खेत में तो ये इतना बड़ा फैमिली पाल नहीं सकते ना, इसीलिए इनका बीच बीच में बहुत सारे जो है, हम लोगों का जो फीड हैबिट है उसमें क्या है, वी आर यूज्ड टू ईट काफ्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ भेजीज, काफ्स एंड द एनिमल फ्लैश, एनिमल फैट्स, दैट इज़ द कॉम्प्लीट फूड। Somewhere people are taking the 75% of their food, that is the fat like food, and somehow 25% of their calves. It is depends on the topography and all the things. So people are habituated with their local availability and develop their food habits depending on their locals' availability. तो आप देखो, ये जो है विलेज इंजीनियरिंग है। इसमें धान जो पैडी जो है ऐसे सब काटते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें ये निकाल लेते हैं पैडी जैसे दिखाया, फिर घर जाके सुखा के ये रख देते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग के उधर क्या होता है, ये पैडी जो हार्वेस्टिंग होता है अलग तरीके से होते हैं। कि ये जो जितने सारे पैडी का ये हैं स्टेम्स हैं, इसका एकदम नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें काट दिया जाता है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा काटा है आप देख रहे हो, लेकिन हमारा उधर बंगाल में नीचे वाला हिस्सा काटते हैं। क्यों? उसमें वो जो नीचे वाला हिस्सा जो है, वो जो गाय है, गाय को खिलाने के लिए उनको ज़रूरी है। गाय, भैंस, बैल जो है, जो धान मतलब पैडी फील्ड बनाने के लिए, वो हाल जोतने के लिए उनको काम में लाया जाता है, और मिल्किंग के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इधर जो है, आप पाओगे कि इधर ये ज़मीन जो बनाया जाता है, इसमें कोई भी हाल नहीं जोता जाता,
इसमें सारा साल ऐसे पानी आएगा पहाड़ से, इसमें जमीन एकदम उपजाऊ रहेगा, ये नरम रहेगा। उसमें पेड़ी जो सैपलिंग्स होते हैं वो इसमें ये करेगा, वो शो करेगा, बोएगा। तो इसके लिए इनका हाल जोतने का ज़रूरत नहीं है, पावर टिलर का भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो है इनका ये जो पैड़ी का जो ये स्टेम्स है ये ज़मीन में रख देते हैं, क्योंकि ये कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद ये पानी से मिल के ये गल जाएगा और जो मिट्टी को दोबारा ये फर्टिलाइज करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, इन लोग कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड ये ज़मीन में नहीं इस्तेमाल करते हैं। बस यही खूबियाँ हैं। और ये जो है आप देख रहे हो, जितने सारे इनका फैमिली जो हम मेरा होस्ट है कोच काया भैया, इनका फैमिली का टोटल मेंबर जो जुड़े हुए हैं, ये जो पैड़ी हार्वेस्टिंग का काम में लगे हुए हैं, सब एक साथ मिल के काम करते हैं। अभी जो हार्वेस्टिंग हो रहा है, फिर जो सोइंग होगा, फिर सैपलिंग जो लगाएंगे, एक ही साथ सब करेंगे फैमिली का सब मेंबर। सबसे बुजुर्ग जो है उनका माता जी है, उनका उम्र 70 साल जैसा है, 70 ईयर्स, शी इज रनिंग 70 ईयर्स। और सबसे यंगेस्ट जो है मुझे लगता है 13 या 14 ईयर्स ओल्ड है। तो सब मिल के एक साथ ये काम करते हैं, ये चीज़ यही है। देखते रहो, इतना सुंदर चीज़ है। तो आप देख रहे हो टोटल जो है फैमिली आए हैं साथ में, टोटल दोपहर का लंच, बीच का चाय, टिफिन, नाश्ता, ड्रिंक, सब कुछ खेत में लाए हैं। ये इनका रिवाज है, सब एक साथ ऐसे ये मनाते हैं। और ये जो मुझे दिया गया है, ये इनका सबसे लोकल जो है, इसको आओ बोलते हैं, आओ ना, ओ बोलते हैं, जैसे कि राइस बियर हो गया, आपुंग भी बोलते हैं कोई कोई। ये है अरुणाचल, खास करके ये आपातानी लोगों का सबसे बढ़िया चीज़ यही है। तो मैं जो हूँ ये लोगों का जो कल्चर है वही दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं कोई ज्ञान, मेरा हिसाब से कोई आपका नॉलेज, दूसरा नॉलेज प्रोवाइड करने का कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जो देखता हूँ फील्ड में, जो देखता हूँ वही बोलने का कोशिश करता हूँ। तो इसमें मुझे जो, मैं तो देखने आया था इनका ट्रेडिशनल जो ये हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हार्वेस्टिंग जो पुरखों से चला आ रहा है, वही देखने के लिए आया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जो इसमें एक लेसन पाया है वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप देख रहे हो मेरा पीछे सब एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो है फैमिली का हेड है, ये आन है, उनका एज है एट अराउंड 70 ईयर्स। और जो यंगेस्ट है इनका, इनमें जो यंगेस्ट है, शायद इन्होंने, इनका उम्र होगा 13 या 14 होगा, ऐसा है ना? हाँ ऐसा है। तो ये सारे लोग जो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये जितने आप लड़की लोगों को देख रहे हो, ये जो बॉयज़ है सब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर भी इनका जो पुश्तैनी काम है उसमें हाथ बटाया है। तो यही चीज़ है मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, हमारा शहर में क्या होता है। जो पढ़ाई में है, कोई इसमें है, वो पानी का ग्लास भी हाथ में नहीं लेने का कष्ट नहीं करते हैं। तो यही दिखाने का कोशिश है, मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा हकीकत है। मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसा गांव में पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं भी मेरा पिताजी का काम में, घर का काम में हाथ बटाया। तो इन लोगों के देख के मेरा जो बचपन है, मेरा बचपन याद आ गया। इसीलिए मैं बार बार इनके साथ आता हूँ, आके ये तस्वीर लेता हूँ, ये वीडियो लेता हूँ, यही है। तो आप लोग, आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो बताओगे? थोड़ा सा बताओ ना, कौन सा क्लास में? ये लेसन है दूसरों के लिए, बोलो आप कौन सा क्लास में? नाइन में पढ़ते हो? यू भी नाइन, ओके। आप टेन में पढ़ते हो? फिर भैया हम भी टेन में, टेन में है। हेलो, आप 12 में पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये सब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ अगर घर का काम भी किया जाता है वो कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, ये आप समझो। तो सब लोगों के लिए यही मैसेज है बस।
का हो गया है, ये जो मैं हूँ ये हरिबोला विलेज का नज़दीक में है, ये आपातानी विलेज है। इन लोगों का ये फेस्टिव हार्विंग हार्वेस्टिंग टाइम है, तो सारे ज़मीन से ला के ये छोटा सा रेस्ट हाउस है, इनमें लंच का व्यवस्था है, चाय पीने का व्यवस्था है, फिर ये आके एक साथ में ज़मीन से आके ये डालते हैं एक साथ, फिर घर ले जाते हैं, ऐसा है ना दीदी? हाँ, गोदाम में फिर ले जाते हैं, ऐसा इनका रिचुअल्स है। और आप जैसे देख रहे हो जितने सारे ग्रैनीज है, मतलब कि ओल्ड लेडीज है, वो ये ज़्यादातर ये काम पसंद ज़्यादा करते हैं। तो अच्छा अच्छा ठीक है, नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, साइड से करना चाहिए। अच्छा पानी नहीं है, अच्छा पानी के रूप में नहीं डालना है। अच्छा नो नो एंजू ये जो देख रहे हो ये इन लोगों का एक तरीका है, जो जमीन के साथ साथ ये धान के पैड़ी के साथ साथ फिश भी इन फिशिंग भी ये करते हैं। ये जो है फिश लिंक्स, ये मार्च महीने में छोड़ा है, कोमल काट बोल के एक गोल्डन फिश, वो हार्वेस्टिंग हो गया है, फिर भी कुछ रह गया इसमें रह जाते हैं, और पैडी भी उगाते हैं, फिश भी उसमें मिल जाते हैं। यही चावल है ना, ये जो ये इसको स्क्वाश कहते हैं। ये आपकी आप ही घर के में बना, मतलब आप लोग का घर से ही आया है ना? आपने में बना के लेकिन मेरा है। तो बंधुरा आमी भव गुड़े, यू मे नो आई एम ब्लॉगिंग फॉर द पीपल प्लेसेस फूड एंड फेस्टिवल, दिस इज द फूड पार्ट। माय ऑल द ब्लॉग्स of all my blogs are end with foods, it is the obvious thing, and it is also I am getting here the local foods here in the paddy field। तो पहला जो दिया गया है ये राइस है, ये खेत का उगाया गया, इनका खेती का राइस है, लोकल मछली का फ्राई किया वाला। अच्छा ये भी जो मछली दिया है ये भी ये खेत में ही उगाते हैं, और वो जो है स्क्वाश है। मेरे को भी सिर्फ एक छोटा सा, ये बस एक छोटा सा। हाँ
मुझे तो कोई फर्ज नहीं है। हमारा घंटी तो